मुझे सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि मुझे इसमें शामिल किया गया और यहाँ आके महसूस हो रहा है कि गरगा कितनी गंदी है और इसमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और खासकर हम गृहिणियों का कि हम जो घर में पूजा पाठ करते हैं अपने घर को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए और वहाँ से जो गंदगी उठा के हम नदी में फेंक देते हैं वो नदी में विसर्जन नहीं करें, क्योंकि ईश्वर ने भी कहा है कि जहाँ सफाई होती है वहीं मैं वास करता हूँ। जिस नदी में हम छठ करते हैं, जिस नदी में हम सारे पावन काम करते हैं, उसमें हमें पूजा की सामग्रियाँ फेंकने का विरोध करना चाहिए और ये एक अभियान चलाना चाहिए कि हम घरों में महिलाओं को ये इस बारे में जागरूक करें कि वो पूजा पाठ के सारे सामानों को नदी में न फेंक कर उसे कहीं अन्यत्र जंगल में या कहीं उसे खाद के रूप में विसर्जित करने का काम करें, मिट्टी में दबा दें ताकि वो खाद के रूप में आए और प्लास्टिक का हम लोग प्रयोग पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करें। मेरा भी ये प्रयास होगा कि आगे भी इनके कार्यक्रमों में शामिल होते रहें और अपना जो भी श्रमदान होगा, जो भी आर्थिक रूप से मैं सहायता कर सकूँ।